हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिकेसी सेंटर में मोस्ट वेलकम। जैसे आप लोग जुड़े हुए, तो हमारे जो 11th क्लास के जो इकोनॉमिक्स थे स्टैटिस्टिक के, उसके चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसमें लगभग हमने मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को उसमें अच्छे से हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल वाइज कवर कर लिया। तो फाइनली हमारा स्टार्ट आज की वीडियो से होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने हर एक टॉपिक को बहुत इजी वे में, और इसको मैंने एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो पे लेके चलूंगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो जो चैप्टर है, इसमें से 4 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पहले तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर के नाम में कह रहे हैं कि आंकड़ों के संकलन की विधियाँ। स्पेशली हमें यहाँ पर दो मेथड पढ़ने, कौन कौन से? एक जो हमारा क्या होता है, जनगणना विधि, जिसको हम सेंसस मेथड कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है, प्रतिदर्श, जिसे हम सैंपल मेथड कहते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में पढ़ने के वाले, अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम था, तो आप सभी लोगों का यार दोस्त मतलब मोस्ट वेलकम कि आप लोग चैनल पे आ गए। तो जब चैनल पे आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरा सा बेल आइकन को मतलब हिट करके आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे स्पेशली के जो सेंसस मेथड होता है, मतलब कि जो जनगणना विधि होती है वो क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं और उसके अवगुण क्या होते हैं, मीन्स उसके मेरिट और डिमेरिट। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन को देखते बात करते, कह रहे कि जनगणना विधि वह विधि होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा समग्र इकाइयों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किए जाते हैं तथा इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो नहीं समझ में आ रहा कि क्यों, क्योंकि बुक की लाइन। तो चलिए हम बिल्कुल इसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, तो एक से दो एग्जाम्पल दूंगा आपको, बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से सुनना आपको, ताकि आपको एग्जाम में वो चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनगणना विधि की जो सेंसस मेथड होता है, जैसे आप लोग कहते हैं कि जब आप मार्केट वगैरह अगर कभी जाते हो, समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब आप लोग मार्केट जाते हो, जैसे आपने सब्जी वगैरह लेते हो, जैसे कि आलू है, ठीक है। तो आलू क्या होता है कि आप एक एक छांट के लेते हो क्या? आलू क्या होता है, एक एक के छांट के लेते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे जो जनगणना विधि में, तो जब हम एक एक चीज़ों को छांट कर इकट्ठा करें, मतलब कि जो अनुसंधान करता होता है कि जो भी मतलब जो भी डेटा होगा, हर एक डाटा को एक एक इकाई करके उसको चेक करेगा, उसके बारे में डिटेल इकट्ठा करेगा, तो क्या कहलाएगी? जनगणना। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल अगर ले सकते हो, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे देश में जनगणना होती है 10 सालों पर होती है, ऐसा करके अगर हम अभी हम देखेंगे जो हमारे मतलब दो क्या नाम है 2011 में जनगणना हुई थी, ठीक है। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले जनगणना भारत में कब की गई थी, ठीक है। तो अब देखो जनगणना में मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, या फिर हम दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसे कि आप ही लोग स्कूल में पढ़ते हो क्लास में, तो कभी कभी आपके स्कूल में चेकिंग वाले आते हैं, आपने समझा, चेकिंग वाले आते हैं। तो अब देखो वो चेकिंग वाले क्या करते हैं कि अगर सोचो एक एक बच्चे से उनकी डिटेल लेते हैं कि हाँ बताइए कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, क्लास में कौन से सब्जेक्ट सिलेबस हो गया कि नहीं, कितने चैप्टर। अब सोचो लाइन से अगर जितने भी बच्चे बैठे हैं, हर एक बच्चे के बारे में आके वहाँ पर डिटेल ली जाती है, तो सिंपल से यही क्या होता है, जनगणना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी अनुसंधान करता होगा, जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है, वो जितनी भी इकाइयाँ होती तो सबके सभी इकाइयों के बारे में क्या करता है, एक एक करके क्या करता है, वो आंकड़े इकट्ठा करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंसस मेथड, क्या कहते हैं उसको, जनगणना विधि। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि सिंपल बता देना कि जनगणना विधि वह विधि होती है जिसमें अनुसंधान करता द्वारा प्रत्येक इकाइयों से संबंधित आंकड़े को क्या कहते हैं, एकत्रित किया जाता है, और फिर उसके आधार पर हम क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एग्जांपल आप याद रखो बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो जनगणना विधि होती है, जो सेंसस मेथड होते हैं, उसके मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं उसके गुण और अवगुण क्या होते हैं। तो देखो गुण का मतलब क्या होता है कि उस मेथड की क्या क्या मतलब अच्छाइयाँ होती है, और वो जो मेथड होता है उसकी क्या क्या मतलब कमियाँ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लिखेंगे जनगणना विधि के क्या है, गुण और अवगुण। अगर हम गुण की बात करेंगे, ये रहा और अवगुण, तो अब एक एक पॉइंट को देखते हैं। विश्वसनीय, विश्वसनीय का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो जनगणना विधि द्वारा जो भी हम आंकड़े होंगे उसको हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। रीज़न बिहाइंड, तो रीज़न सिंपल ही बात है कि अभी आप सोचो, ठीक है, जब हमारे घर पे जनगणना वाले आते हैं तो हमारी पूरी डिटेल लेते हैं, तो एक एक पर्सन से, एक एक बंदे से क्या पूरी डिटेल ली जाती है। आप लोगों ने ऐसा कभी देखा होगा, दिया होगा आपने, अपने बारे में बताया होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो आंकड़े बिल्कुल क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, उस पर हम क्या कर सकते, वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, कह सकते हो सिंपल सा।
दूसरा कह रहा है शुद्धता। अब सोचो भाई कि अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर आंकड़े इकट्ठा कर रहा और हर एक डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर जो आंकड़े पूरी तरह से क्या होंगे, ओरिजिनल होंगे, प्योर होंगे, कह सकते हो शुद्धता पाई जाती है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो जनगणना विधि द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। और आप बता दो कि जनगणना विधि द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों में शुद्धता पाई जाती है। रीजन क्यों? क्योंकि एक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रत्येक इकाई से संबंधित एकत्रित किए जाते हैं। क्लियर है? अगला कह रहे हैं कि बायस की इसमें कम संभावना। बायस क्या होते हैं? बायस का मतलब कि जैसे पक्षपात होता है, भेदभाव ना, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। रीज़न तो आपने देखा होगा जब जनगणना विधि वाले आते हैं तो होता क्या, वो क्या करते हैं कि हर एक घर से, चाहे घर छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब, तो हर एक घर से क्या होता है कि पूरा डेटा वो कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस विधि द्वारा जो होता है मतलब पक्षपात की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम चांस होते हैं कि यहाँ पर बायस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगला कह रहे हैं कि जो जनगणना जो विधि होती है वो कहने के विस्तृत क्षेत्रों के लिए। अब आपने जैसे सुना कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जनगणना कितने सालों में होती है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपको जनगणना मतलब हमारे इंडिया में जनगणना कितने होती है। मैं आपको बता दूं कि 10 सालों के अंदर क्या होता है कि 10 साल में एक बार क्या होती है हमारे यहाँ पर जनगणना। तो कहीं नहीं कि देखो जनगणना जब होती है पूरे इंडिया की होती है। क्लियर होगा? पूरे इंडिया की होती है तो वो चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि जनसंख्या से संबंधित आंकड़े जो हमारे देश के में कौन सा डिपार्टमेंट शो करता है। क्लियर? आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रखा हूँ, आप मैं कमेंट चेक करूँगा, आप लोग वहाँ पर बताइए, देखते हैं आप लोगों को कितना मतलब चीज़ें याद है कि जनगणना से संबंधित कौन सा डिपार्टमेंट आंकड़े को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि अप्रत्यक्ष जांच। अब अप्रत्यक्ष जांच का मतलब क्या होता है अगर हम बात करेंगे, तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे यहाँ पर क्या पॉपुलेशन बहुत है इंडिया में, ठीक है, प्लस हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, जो बेरोजगारी होती है, ठीक है, बेरोजगारी हो गई, निर्धनता, तो ये सारी के सारी जो चीज़ होती है, तो इनका हम डायरेक्टली क्या होता है कि डायरेक्टली हम इनको चेक नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली इनके बारे में क्या हम डिटेल नहीं ले सकते, तो इनकी क्या होती है इनडायरेक्टली क्या होती है जाँच की जा सकती है। तो ये क्या है जनगणना विधि के क्या होते हैं गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए देखो हमारा क्या कह रहा है कि अवगुण। अवगुण का मतलब कि इस मेथड की क्या क्या कमीज है। क्लियर है? इस मेथड और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो 3 मार्क्स के आपके बनने, ठीक है। तो अवगुण की बात करते हैं, सबसे पहले तो क्या विधि होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। रीज़न क्या है? अब सोचो जनगणना विधि करने के लिए क्या होता है, आपको वहाँ पर समय की जरूरत होगी, आपको वहाँ पर श्रम चाहिए, ठीक, आपको वहाँ पर मेहनत चाहिए, ठीक है, आपको वहाँ पर मतलब टाइम वगैरह, पैसे वगैरह। तो आप सिंपल से कहते हो जो जनगणना विधि होती है उसकी दिक्कत क्या है कि उसमें बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा खर्चीली विधि होती है। क्लियर आता? दूसरा कह रहा है कि अधिक मानव शक्ति। अब यहाँ पर देखो जो ह्यूमन पावर होती है ना, ह्यूमन अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि एक आम इंसान क्या होता है, जैसे अगर मान लो जिसको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जानकारी नहीं है, जिसके पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, तो वो क्या मतलब जन आंकड़े एकत्रित कर सकता है? नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें ऐसे लोगों को चाहिए था जो उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते होंगे, जानते होंगे। हमें एक बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ती है जिसे हम क्या मानव शक्ति कहते हैं, इसके गुण। अब गुण, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, विस्तृत क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। अब देखो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा एरिया, मतलब अगर बहुत लार्ज एरिया से कह सकते हो, तो मतलब पूरे इंडिया के जो गांव से, जिला से लेके, शहर से लेके, इस लेवल पे अगर हमें स्टडी करनी हो, तो आप बताइए विधि काम कर पाएगी? रीज़न नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को, पैसा हो जाएगा, ठीक है, समय हो जाएगा, ठीक है, मेहनत होगी, बहुत सारे परिश्रम वगैरह, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्या होगा, खर्च आएगा। तो ये क्या होता है कि जो जनगणना विधि होती है उसके क्या होते हैं, 3 अवगुण होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट होगे तो आप कमेंट सेक्शन वहाँ पर क्या करिए, कमेंट करिए, वो आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।